कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बिलिंग इंजीनियर का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक वर्सटाइल प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। लाइक आपको कॉस्टिंग करनी पड़ती है, आपको ब्यू क्यूज बनाने पड़ते हैं, आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है और आपको बिलिंग इनवाइसेस करने पड़ते हैं। और फिर बिलिंग इनवाइसेस को भी आपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में करना होता है। लाइक आपको बिल की समरी प्रिपेयर करनी होती है, आपको MB शीट्स बनाने होते हैं, आपको BBS के शीट्स बनाने होते हैं, आपको रिकॉन्सिलेशंस करने होते हैं, प्राइस एस्केलेशंस करने होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपको बिल एब्स्ट्रैक्ट भी प्रिपेयर करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है एक कोर्स में जिसका नाम है बिलिंग इंजीनियरिंग इन एडवांस। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट करें। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ डिस्कस करना है, वो ये है By the first up में हमारा एक नया बैच ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बैक टू द बिजनेस। सो गाइस, ये बिल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, बिल एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? बिल एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली ब्रेक डाउन होता है किस चीज़ का, या ब्रेक डाउन कह सकते हैं या समरी कह सकते हैं। इसमें हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किनको, क्वांटिटीज़ को करते हैं। इसमें हम लोग कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं किस में, इसमें लेबर में करते हैं, मटेरियल में करते हैं, इक्विपमेंट्स में करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको जानना पड़ेगा कि आपको कौन सी क्वांटिटी कहाँ पे रखनी होगी, आपका प्रीवियस कहाँ पे आएगा, आपका इन दिस बिल कहाँ पे आएगा, आपका अप टू डेट कहाँ पे आएगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई भी आरए बिल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके पास एक मेजरमेंट शीट होना चाहिए, आपके पास एक BOQ फाइल होना चाहिए, आपके पास एक बिल एब्स्ट्रैक्ट शीट होना चाहिए जिसको आपको बनाना आना चाहिए, उसके साथ साथ आपको बिल समरी भी आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ एक और पॉइंट है वो है बिल फॉर्म। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप कैसे बिल एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे इस मेजरमेंट शीट का, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे लाइव क्लासेस में। इसका नाम है लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग में। आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली कैसे आप फॉर्मेट जनरेट करेंगे, उसके बाद इस शीट का यूज़ करके आप कैसे एक बिल एब्स्ट्रैक्ट तैयार करेंगे। जैसे अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, ठीक है। इस चीज़ में मुझे क्या क्या ऐड करना है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इस शीट का हम लोग इसका नाम देंगे बिल एब्स्ट्रैक्ट। नाम दे दिया हमने बिल एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ आना है पहले वाले पेज पे। यहाँ पे कुछ सेल्स हमने सिलेक्ट करने हैं, कुछ कॉलम सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे मर्जिंग सेंटर कर लीजिए और उसका यहाँ पे नाम लिख लीजिए बिल एब्स्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर। अगला वाला पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि आपका जो काम है, नेम ऑफ द वर्क, उसको डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आगे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ मर्जिंग सेंटर और यहाँ पे मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नेम ऑफ द वर्क। चले, नेम ऑफ द वर्क हो गया। अगला वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, अगेन यहाँ पे नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे पास जो एग्रीमेंट नंबर है उसको, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम लोग अगेन मर्चेंट सेंटर, यहाँ पे लिखेंगे एग्रीमेंट नंबर, ठीक है। अगेन एग्रीमेंट नंबर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस्टिमेटेड क्वांटिटी, अगेन मर्चेंट सेंटर। एक तो मैं मर्चेंट सेंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एस्टिमेटेड क्वांटिटी। ओके, एस्टिमेटेड क्वांटिटी के बाद हमारे पास क्या है, टेंडर्ड क्वांटिटी। देखिए, हर एक कंपनी का अलग अलग तरीका होता है वो एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने का, बिल फॉर्म बनाने का, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे आप ये वाले देख रहे हैं ना जिसका हम लोग अभी बना रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक अलग कंपनी में बनाया है, ठीक है ना। अगर आप यही देखेंगे दूसरी कंपनी में, यहाँ पे बिल एब्स्ट्रैक्ट शीट जो है ना वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओके, कोई इशू नहीं, हमें आने से मतलब है, हम लोग सीखेंगे कैसे क्या किया जाता है। चलिए, यहाँ पे ये अब देखिए अगली क्वांटिटी, यहाँ पे हमने क्या फिल करनी है। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे मर्चेंट सेंटर। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए डेट ऑफ सबमिशन। डेट ऑफ सबमिशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला पॉइंट जो आपने मेंशन करना है वो है बिल नंबर, ठीक है। बिल नंबर, बिल नंबर पे क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द वर्क, आपका जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, वो आपको
पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक इसको मर्जिन सेंटर कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे हमें PMAY प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और कहाँ का प्रोजेक्ट है, ये भिलाई का प्रोजेक्ट है। चले, ये हो गया, क्लियर है। अब अगला वाला पॉइंट जो आपको लिखना है यहाँ पे, वो लिखना है कि आपका जो आपकी जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या आपकी जो कंपनी है उसका नाम, लेट सपोज करो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PTS CAD एक्सपर्ट, ओके। PTS CAD एक्सपर्ट के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर लिख लेना है, ठीक है। जिससे आप यहाँ पे देखना एग्रीमेंट नंबर, एग्रीमेंट नंबर लेट सपोज करो 15545000511EE, ये हमारा एग्रीमेंट नंबर है, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड क्वांटिटी, एस्टिमेटेड क्वांटिटी हमारी, ठीक है ना, एक होता है एस्टिमेटेड क्वांटिटी और एक होता है टेंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर है। एस्टिमेटेड क्वांटिटी अलग होता है, टेंडर्ड क्वांटिटी अलग होता है। एस्टिमेटेड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जब एक प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है और उसको बता दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना इसका बजट इतना है। अब उसमें टेंडर डाला जाता है कि कौन कंपनी इसको कितने कम में बनाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए एस्टिमेटेड क्वांटिटी में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मर्जिन सेंटर करेंगे अगेन और यहाँ पे लिखेंगे दो चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट हमारे पास है 5,22,75,000 और हमारे पास है 718 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना है, ये किस चीज़ का है, ये सिविल का है, ओके। दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अगेन हमने क्या करना है, सिविल का ऐड कर दिया हम लोग ने, अगेन मैं इसी में ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल का कितना है, इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं एक बार। हमारे पास इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है वो है हमारे पास 33,80,000, 33,80,000 और यहाँ पे हमारे पास 208 रुपये, क्लियर है, ओके। और इसको मैं लिख लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, चलो इलेक्ट्रिकल भी हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने आना है टेंडर्ड, टेंडर्ड पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ओके। अब हम इसमें जो टेंडर डाला हुआ है मतलब हम लोग ये जो काम है कितने में करने वाले हैं वो अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन RS, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा सिविल वर्क के लिए, सिविल वर्क के लिए मैंने मेंशन किया है 3,61,00,000, 3,61,97,591 रुपीस, ओके। अगेन यहाँ पे चले, हो गया। अब यहाँ पे अगेन रुपीस, ओके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए जो मैंने टेंडर्ड टेंडर्ड जो अमाउंट है वो डालना है, मेरे पास यहाँ पे 27,00,000, ओके, 27,04,166, ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ ये किस चीज़ के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए, डन। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन, अब ये आरए बिल जो बना रहे हैं आप लोग, ये कौन सी आरए बिल है, ठीक है ना, और कब सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन में मैं डाल देता हूँ, लेट्स सपोज करो आज की डेट, यहाँ पे मर्जिन सेंटर, और आज जो डेट है वो है 22, इनफैक्ट आज 23 है, इट्स 23/04/2024, ओके, एंटर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो बिल नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पे आइए मर्जिन सेंटर करिए और यहाँ पे लिख लीजिए बिल नंबर क्या है, लेट्स सपोज करो हमारे पास बिल नंबर जो है वो है बिल नंबर 1, ओके, एंटर, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब जो चीज़ें हैं जो हमने आनी चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। मैं इनको क्या कर लेता हूँ, इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ आके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग से कलर दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको अलग से कलर दे देता हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर ज़्यादा कुछ बोल्ड हो गया, थोड़ा सा डिम कलर कर देते हैं, ओके, चलिए ये हो गया, ओके। उसके बाद पहला वाला पॉइंट आपको क्या करना है, यहाँ पे आइए एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे सीरियल नंबर। अब यहाँ पे अगला वाला पॉइंट जो आपको करना है वो है BOQ नंबर। BOQ नंबर मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना, एक जो हमारी मेजरमेंट शीट बनती है उसका एक नंबर होता है, ठीक है ना, उसका उसका नंबर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आइए, अगेन आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ की तरफ आना है, ओके। डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, BOQ कोड, कोड क्या है आपके पास, उसका कोड भी होता है, ठीक है, ओके। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपकी जो यूनिट्स है वो क्या है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको BOQ क्वांटिटी QTY शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता मैं, ओके, BOQ क्वांटिटी है ये, बिल ऑफ क्वांटिटी अगेन, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट्स मेंशन करने हैं, वो भी यहीं से आएंगे जो हमने ऑलरेडी हमारे पास जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से। अगर मैं इन तीनों को मर्जिन सेंटर कर दूँ और यहाँ पे लिख लूँ क्वांटिटी ऑफ वर्क, ओके। अब क्वांटिटी ऑफ वर्क में क्या आएगा, पहले वाले पॉइंट पे आएगा हमारे पास प्रीवियस क्वांटिटी, प्रीवियस
QTY. ओके अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इन दिस बिल, लास्ट वाला क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा टोटल टोटल क्वांटिटी. ओके अगेन अब देखो इनको मैं तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि ये अलग अलग दिखे. ठीक है ओके अब देखिए अब हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है, अब इन तीनों को मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके मर्जन सेंटर करूँगा. ओके उस पर लिखूंगा यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज़. ठीक है ना अमाउंट इन रुपीज़. अब यहाँ पे देखिए इन तीनों को करिए यहाँ पे ये अब यहाँ पे लिख लीजिए प्रीवियस अमाउंट, यहाँ पे लिखिए अप टू डेट अमाउंट, यहाँ पे लिखिए अप टू डेट अमाउंट अमाउंट. ओके उसके बाद यहाँ पे अगले वाले में लिख लीजिए प्रीवियस अमाउंट. ओके प्रीवियस अमाउंट अब यहाँ पे लिखिए इन दिस बिल और यहाँ पे कर दिए रिमार्क्स. ठीक है ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको अलग अलग इससे ओके और इसको अलग ही तरह से हाईलाइट कर देते हैं. चले ठीक है रेडी ओके. अब यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में आइए, यहाँ पे हमारे पास क्या है मेजरमेंट शीट है. ठीक है मेजरमेंट शीट हमारे पास है, इसको मैं यहाँ की तरफ लेके आता हूँ ओके ताकि हमें काम आ जाए, बार बार हमें इधर उधर की तरफ ना जाना पड़े. अब देखिए यहाँ पे इसी शीट को मैं BOQ वाली फाइल को भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे BOQ फाइल भी आ गई, मेजरमेंट शीट भी आ गई, बिल ऑफ स्ट्रक्चर वाली शीट भी आ गई. ठीक है क्लियर. अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपने मेंशन किया हुआ है कि आपकी ये क्वांटिटीज है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे ओके यहाँ पे सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है. मैंने क्या कहा था आपको कोड BOQ कोड नंबर है, BOQ के ऊपर कोड नंबर है क्या आपका. ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कोड नंबर दिया है, ये क्या है बेसिकली ये SORs के हैं, चाहे SOR हो जो हमारे स्टेट्स के रहते हैं या DSR होता है हमारी जो सेंट्रल लेवल पे होता है, जो हमारी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो यूज़ करता है डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स उसका हो सकता है. ठीक है ना इस कोड पे हमें पता चल जाता है कि वाकई में ये रेट्स ऐसे हैं कि नहीं. ठीक है नहीं तो कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन पैदा हो जाता है. ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है BOQ में टोटल क्वांटिटीज को मेंशन किया जाता है. ठीक है ना जैसे आप यहाँ पे मेजरमेंट शीट में देखेंगे, मेजरमेंट शीट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर हम लोगों ने सरफेस की क्लीनिंग की तो हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है इतनी, अगर हमने सरफेस की एक्सकेवेशन उसके बाद अगर हम लोग ने एक्सकेवेशन किया है तो एक्सकेवेशन हमारा इतना हुआ है. उसके बाद अगर बात करेंगे टोटल PCC, अगर PCC का काम किया हम लोग ने तो वो कितना किया है इस बिल में, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 29.598 क्यूबिक मीटर का काम किया है. ठीक है अगर हम लोग इस बिल में क्लेम कर रहे हैं कि हमने टोटल काम किया है तो हम लोग टोटल यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम लोग ने क्या किया है. सपोज करो 10 MQ का काम किया तो 10 MQ के हिसाब से हम लोग क्लेम करेंगे. ठीक है और उस पर मेंशन करेंगे प्रॉपर तरीके से. चलिए यहाँ पे आइए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है पॉइंट नंबर 1 पे. ठीक है पॉइंट नंबर 1 पे आप क्या करेंगे मेंशन करेंगे और यहाँ देखिए BOQ नंबर. ठीक है ओके BOQ नंबर में आपको क्या करना है इक्वलिटी करनी है. ओके और यहाँ पे BOQ में जाना है और यहाँ पे देखिए इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट करूँगा. ओके दो चीज़ें होती है इसमें, हमारा BOQ नंबर और उसका सब नंबर भी होता है. ठीक है चलिए ये BOQ नंबर हो गया, BOQ नंबर के बाद हमने क्या करना है डिस्क्रिप्शन में जाना है. ठीक है अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिखने तो नहीं बैठूंगा मैं, तो यहाँ पे आके क्या करूँगा यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये वाला पार्ट सरफेस ड्रेसिंग का है, तो क्या करूँगा यहाँ पे आके इक्वलिटी करूँगा ओके और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा ओके एंटर. ओके उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर की तरफ आऊँगा और यहाँ पे इसको करूँगा मर्जन सेंटर या रैप एंड टेक्स्ट कर लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. ओके उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आते हैं. ठीक है ओके उसके बाद BOQ क्वांटिटी, BOQ में जो क्वांटिटीज है मेंशन, ठीक है ना अगर आपने उतना काम किया है तो यहाँ क्या करेंगे इक्वलिटी करेंगे, अगेन आएंगे BOQ वाले फाइल में ओके उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वांटिटी को एंटर करवाएंगे आप. ठीक है उसके बाद यूनिट्स हमारे पास है स्क्वायर मीटर ओके जो कि BOQ में मेंशन है, सॉरी यहाँ पे BOQ नंबर है. ठीक है लेट्स सपोज करो हमारे पास जो BOQ नंबर है यहाँ पे देखिए BOQ जो फाइल हमारे पास है BOQ का नंबर हमारे पास है 3. ठीक है ओके यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 3. ओके सॉरी ये एक चीज़ मिस्टेक हो गया था. ओके उसके बाद यहाँ पे हमने BOQ का नंबर है वो मेंशन करना है. वापस आइए यहाँ पे BOQ नंबर और ये वाला जो चीज़ जो है ना ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नाम देंगे हम लोग 3. ओके और यहाँ पे आइए BOQ कोड पे, गलत जगह लगाया था. ओके BOQ का कोड जो हमारे पास है वो है हमारे पास यहाँ पे आइए वापस यहाँ पे ये है. ओके
चलें। उसके बाद भी हमने यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि हमारे पास कोड क्या है, सब कोड क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इट्स 2.28, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे वापस आके यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सब कोड क्या है, इट्स 2.28.1, क्योंकि यहाँ पे ऑल साइल्स है। BOQ में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होता है कि कोड क्या है, सब कोड क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके 2.28.1, ओके चीज़ ये क्लियर हो गया। ओके उसके बाद क्या करना है, क्वांटिटी क्या है आपकी, यहाँ पे ये इक्वलिटी करिए। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी क्या है आपकी, क्वांटिटी हमारे पास टोटल है तो डेफिनेटली पहले वाले केस में तो सारा ही ले लूँगा मैं। ओके उसके बाद रेट्स, रेट्स को भी एक बार देखना पड़ेगा। रेट्स हमारे पास 28.15 है तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इट्स 28.15, एंटर। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वांटिटी, इससे पहले वाले केस में हमारे पास कुछ था क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले वाले केस में कुछ नहीं था तो यहाँ पे जीरो करूँगा। इन दिस बिल, इस वाले केस में क्या है मेरा, इन दिस बिल में मैंने जो क्वांटिटी क्लेम किया है वो है 615.45, ओके एंटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल, टोटल में क्या करेंगे, इक्वलिटी करिए दिस प्लस दिस, एंटर। ओके क्लियर है। ओके अब देखिए यहाँ पे अप टू डेट अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीवियस अमाउंट, उसके बाद इन दिस बिल। प्रीवियस अमाउंट में आपने कुछ नहीं डाला, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, प्रीवियस अमाउंट में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आइए इक्वलिटी करिए। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्लेम कितना किया आपने, ये, और उसका रेट क्या है ये एंटर कर लीजिए, यहाँ पे आपका इतना पैसा आ जाएगा। ओके क्लियर है। ओके इसको आप चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसको कॉमा सेपरेटेड कर सकते हैं, उसके बाद इसका जो साइन है रुपीज़ का वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है क्लियर। ओके यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस में कुछ नहीं है तो अप टू डेट में क्या आएंगे, यहाँ पे इक्वलिटी करिए दिस प्लस दिस, ये खेल है, ठीक है। क्या करना होता है, मैंने क्या कहा, अप टू डेट जो होता है ना वो अप टू डेट होता है प्रीवियस प्लस इन दिस बिल का, ठीक है। ओके क्लियर है। जब मैं इसको अभी कॉपी पेस्ट करूंगा नई बिल एक बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा एक बार क्या करना होता है, ठीक है। तो प्रीवियस में क्या है, कुछ भी नहीं है। इन दिस बिल में क्या है, 17,324, ओके। और यहाँ पे अप टू डेट, अप टू डेट मतलब अभी तक कितना आया, तो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी ही आई ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर है। ओके इन दोनों का सम। ओके चलिए अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट नंबर 2, ओके। और यहाँ पे आएंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास, मेजरमेंट शीट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखें मेजरमेंट शीट में हमारे पास ये है एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन हमारे पास है, इट्स 1043.7 क्यूबिक मीटर्स। ओके चलिए एक बार देख लेते हैं और यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, BOQ में आइए। ओके और BOQ में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ना ये कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना चाहे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे इक्वलिटी करके और यहाँ पे आके इस वाले पार्ट को एंटर कर दीजिए, आ गया। ओके उसको रैप एंड टैक्स कर दीजिए, ओके क्लियर है। अगेन यहाँ पे हल्का सा आगे की तरफ करिए और इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे कोड और सब कोड मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। ओके ताकि हमें रेट्स का आइडिया हो जाए, इट्स 27, ओके और 27.1.1, ओके चलिए वापस चलिए, इट्स 27.2.7, ओके यहाँ पे ब्रैकेट में इट्स 2.7.1, ओके अगेन एंटर। ओके सब कोड, पहला वाला कोड है उसके बाद सब कोड है, ओप्स व्यू के नंबर 3 है, अगेन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ओके यहाँ पे इट्स 2.7 और यहाँ पे ब्रेस ऑन 2.7.1, ओके एंटर, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे यूनिट्स क्या है हमारे पास, इट्स क्यूबिक मीटर, CUM क्यूबिक मीटर। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो क्यूबिक मीटर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए सी दिस क्यूबिक मीटर्स। अब आपकी क्वांटिटी BOQ में जो क्वांटिटी है वो एक बार चेक कर लेते हैं, BOQ की क्वांटिटी क्या है आपके पास। डेफिनेटली यहाँ पहले वाले केसेस में तो सारे क्लेम कर लूँगा, ओके ये है आपकी, एंटर कर लीजिए। ओके उसके बाद रेट्स, अगेन यहाँ पे रेट्स पे आ जाइए। रेट्स क्या है आपका, रेट्स आपके यहाँ पे 412.95, ठीक है ना, जो रेट्स दिए गए होंगे, हो सकता है इससे कम भी हो इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन हमें फिलहाल इसी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एंटर कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है कहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी, प्रीवियस क्वांटिटी में कुछ भी नहीं है, इन दिस बिल में है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप उसको ड्रैग डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डबल टैप करके, डबल टैप। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दिस बिल में आपको आना है, ठीक है। इन दिस बिल में क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये सीरीज इन दिस बिल में आके यहाँ पे मेंशन करेंगे, इट्स 412.95, ओके।
उसके बाद यहाँ पे टोटल में इक्वलिटी दिस प्लस प्रीवियस एंटर ओके। अगेन आपको क्या करना है, अप टू डेट में आना है। अप टू डेट में आपने कुछ नहीं किया है, अगर आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 00 आएगा, और यहाँ पे आपको कुछ मेंशन है ही नहीं क्योंकि प्रीवियस में हमने अभी क्लेम किया ही नहीं, तो प्रीवियस में तो जाएंगे नहीं यहाँ पे ये इसमें इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी करेंगे ओके। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, लेकिन टोटल से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा किससे, इन दिस बिल से ओके। अगर आप इन दिस बिल का ले रहे हैं तो ओके, एंटर एंटर ओके। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका अमाउंट आ चुका है ठीक है, क्लियर है। आपका जो ब्यू के अमाउंट था इस वाले बिल में ठीक है, वो इस बिल में आपका 412 रुपये है ठीक है, लेकिन यहाँ पे 412 नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही है। यहाँ पे वापस आइए, हमारे पास है 1043 BUQ क्वांटिटी। ब्यू क्यू क्वांटिटी मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए तक कुछ आइडिया हो जाए कि हमारे पास बचा कितना है ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से वापस आइए, इक्वलिटी करिए, इट्स 1043.7, एंटर एंटर ठीक है, क्लियर है। डबल टैप कर लीजिए, इस पर डबल टैप कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपने किन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है ठीक है, क्लियर है। अब अगेन वापस आना है मुझे बी यू क्यू पे। अब अगला वाला पॉइंट क्या है मेरा, अगला वाला पॉइंट मेरा है सैंड फिलिंग का ठीक है। सैंड फिलिंग का देख लेते हैं हमारे पास है क्या कोई, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई इशू नहीं, देख लेंगे हम लोग बाद में। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे पीसीसी फिलिंग के लिए ठीक है 4.1.5 और 4.3 ठीक है ना, कोड सब कोड यहाँ पे साथ में है ठीक है ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, आप वापस आएंगे बिल एब्स्ट्रैक्ट में और यहाँ पे आएंगे अगेन, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मेंशन करेंगे ओके, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मेंशन करेंगे क्योंकि सीरियल नंबर है और ये जो है ये बी ओ क्यू नंबर है ओके। यहाँ पे ये इक्वलिटी करिए, बी ओ क्यू वाले केस में जाइए और यहाँ पे क्या करेंगे 2.7 वाला जो कोड नंबर है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आके रैप एंड टैक्स कर देंगे ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है वापस और यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है, आपका पीसीसी फिलिंग का जो कोड नंबर है इट्स 4.1.5 ओके, यहाँ पे इट्स 4.1.5 ओके एंटर। उसके बाद अगेन आपकी यूनिट्स क्या है क्यूबिक मीटर में ठीक है ओके, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग सिलेक्ट करके और यहाँ पे आके हम लोग व्यू में और यहाँ पे फ्री स्पेंस में और यहाँ पे फ्री स्टॉप ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रीज टॉप रो हो गया, लेकिन टॉप रो हो गया, अब हमने क्या करना है, फ्रीज अनफ्रीज पेंस ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक बार से सेलेक्ट करना है फ्रीज पेंस, फ्रीज पेंस करेंगे तो इसके ऊपर ओवर वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रीज पेंस अनफ्रीज अगेन फ्रीज पेंस ठीक है, क्लियर है ओके। इससे हमें आइडिया हो जाएगा हम लोग कर क्या रहे हैं ठीक है, कौन सी क्वान्टिटी किस में जानी चाहिए। चले अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब यहाँ तक आ गए हम लोग ओके। अब हमने यहाँ पे बी यू क्यू क्वान्टिटी में आना है ठीक है, बी यू क्यू क्वान्टिटी में। अब यहाँ पे बी यू क्यू क्वान्टिटी, बी यू क्यू कोड नंबर हो गया, बी यू क्यू क्वान्टिटी में आ जाइए, इक्वलिटी करिए अगेन। यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखें, अब सपोज करो आपने पी सी सी में इस वाले केस में सारा कुछ नहीं लिया है ठीक है ओके, तो इस वाले केस में लेट सपोज करो आपकी बी यू क्यू की जो क्वान्टिटी है वो आप यहाँ पे एक बार मैंशन करवा दीजिए ओके। बी यू क्यू क्वान्टिटी में आपका यहाँ पे आ रहा है इट्स 29 समथिंग सम, यहाँ पे देखिए ये एंटर ओके। उसके बाद यहाँ पे इक्वलिटी बी यू क्यू क्वान्टिटी और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे आपका जो टोटल है इट्स दिस, एंटर ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेट्स क्या है, रेट्स अगेन आप बी यू क्यू में ही जाएंगे तो बी यू क्यू में आप देखेंगे रेट्स ये है ठीक है ना, इट्स 6833.4 ओके, 6833.4 ओके, 6833.4 एंटर ओके। उसके बाद प्रीवियस क्वांटिटी में कुछ लिया है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इन दिस बिल में हाँ डेफिनेटली क्लेम करेंगे इसमें। अब यहाँ पे कितना, लेट सपोज करो मैं यहाँ पे 20 M³ क्लेम कर लेता हूँ ठीक है ओके, टोटल कितना आ गया, इक्वलिटी दिस प्लस दिस एंटर ओके। उसके बाद अप टू डेट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं अभी। अब यहाँ पे प्रीवियस में भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे इन दिस बिल में आएगा इक्वलिटी। आपकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी आप यहाँ पे देखिए इन दिस बिल में, हमेशा आप यही करेंगे इन दिस बिल ओके, मल्टीप्लाई बाय आपके रेट्स से एंटर। अब के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका जो रेट्स है, आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है ठीक है ओके। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इक्वलिटी करिए दिस प्लस दिस एंटर ठीक है ओके। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है नीचे
यहाँ पे आना है नीचे और यहाँ पे आपको लिखना है टोटल अमाउंट, क्या लिखना है टोटल अमाउंट केस वाले केस फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसको मर्चेंट सेंटर करेंगे, ओके, और यहाँ पे मेंशन करेंगे टोटल अमाउंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मर्चेंट सेंटर और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ ऑल्ट के साथ प्लस करिए, यहाँ पे आएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ प्लस कर दिया। अब देखिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पे आइए इक्वलिटी करिए, अगेन क्या करना है आपको इक्वलिटी, ठीक है, दिस माइनस दिस, ओके एंटर, ठीक है। सही किया मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे इक्वलिटी दिस प्लस दिस, ये अप टू डेट, ठीक है। हमें आइडिया रहा है, आइडिया होता रहेगा कि हम अभी तक कितना क्लेम कर चुके हैं। जैसे अभी हम इस बिल में कितना क्लेम कर चुके हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 5,84,988 रुपये। तो इसमें यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, तो अभी ये क्लियर है, अभी यहाँ पे हमारे पास ये बाकी है, ठीक है। जब हम लोग ये बिल एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो बिल एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका ये एक फॉर्म लगता है, ठीक है। जैसे आप ये फॉर्म देख रहे हैं ना, इस फॉर्म में क्या करना होता है, आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करनी हो, तो अब यहाँ पे छोटा छोटा आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसमें क्या करता है, यहाँ पे आप टैक्सेस आप ऐड करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखें यहाँ पे GST ऐड करेंगे, वो भी SGST, CGST, उसके बाद यहाँ पे लेबर सेस, उसके बाद यहाँ पे टोटल आफ्टर टैक्सेस, उसके बाद डिडक्शन, आपका कोई सिक्योर्ड अमाउंट है, मोबिलाइजेशन एडवांस है, कोई TDS है, पेनल्टी कोई लगी हुई है क्या साइड पे, जैसे आपने कोई गलत काम किया है, उसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन के बाद जो आपका नेट पेएबल अमाउंट है वो यहाँ पे बिल समरी जो है आपका जो बिल फॉर्म है उसमें आपको मेंशन करना होगा, सबमिट करना होगा, क्लियर है, यहाँ तक हो गया, ओके। उसके बाद देखिए ये तो पहला वाला हमारा केस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉपी करना है, मूव कॉपी, और यहाँ पे आपको मोर द एंड एंटर एंटर करना है, ओके। यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे इसको बिल एब्स्ट्रैक्ट 1 था, ये बिल एब्स्ट्रैक्ट 2 हो गया, ठीक है। अब इस वाले केस में हमारे पास जितनी क्वांटिटीज हमारे पास जो इन दिस बिल में थी, वो सारी क्वांटिटीज किस में आ जाएगी, वो सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी हमारे हमारे प्रीवियस बिल में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वलिटी करिए, अब यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी हटा दीजिए, ये वाली क्वांटिटीज आपको सारी हटानी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये प्रीवियस में यहाँ पे इक्वलिटी करिए, अब यहाँ पे प्रीवियस वाले बिल एब्स्ट्रैक्ट में आके यहाँ पे इन दिस बिल वाला जो है ना वो प्रीवियस में चला जाएगा, और यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आपका आ गया, क्लियर है, दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। अब जो भी चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँगा, ठीक है ना, जो भी चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँगा, नहीं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, इन दिस बिल में, ठीक है ना। और अगले दिन या अगला जब बिल एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगा, अगले वाले बिल एब्स्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ेगा, वो जो इन दिस बिल वाली है वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, प्रीवियस में सारी चीज़ें जाएंगे और चीज़ें वही रहेंगी। ये जो हमारे पास अप टू डेट है, हमारा अप टू डेट क्या होगा, अप टू डेट इन दोनों का प्लस होगा। जैसे आप यहाँ पे करें इक्वलिटी दिस प्लस दिस एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ये वाली क्वांटिटी आपस में मैच कर रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस और हमारा आप डेट भी मैच कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। आई होप चीज़ें समझ में आई हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट शीट्स बनाएंगे, बिल एब्स्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, BOQ फाइल्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आई दी फर्स्ट में हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन का, वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8199-2988 पे। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय एंड टेक केयर।